ओवरऑल मोटिवेशन हो चुका है अपना, कुछ नया करना है, लगता है कि कुछ अमीर हो चुका है, पैसा बहुत ज्यादा है, तब ना कुछ भाई एक फॉल्ट आ जाता है। फाइनली वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेडलेस मोटर लोग। तो कैसे आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे, घर में स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। भाई देखो बारिश का मौसम है भाई, और अपना बाइक भाई काफ़ी हफ्ते दिनों से यहाँ पर घर में लगा हुआ है, बेड में भाई अपना एक लीकेज आ चुका है, आप लोग देख सकते हो अंदर में। वो बैंड पाइप में जो अपना एग्जॉस्ट का बैंड पाइप भी लगाया था मैंने, उसमें थोड़ा सा किया, वो बैंड पाइप अपना फट गया। तो आज हम लोग जा रहे हैं चेंजिंग करने के लिए, बैंड पाइप अपना पीछे रखा हुआ है, और भाई बारिश स्टार्ट होने वाला, तो फटाक से अभी चलते हैं, आप लोग चलते चलते बात करते हैं, ठीक है। तो साउंड देखो गाइस अभी थोड़ा चेंज हो चुका है अपना बाइक का, तो भाई ये चेक देखिए भाई फट गया, यहाँ से साउंड नहीं आ रहा है प्रॉपर, फट गया है, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो फिलहाल फटाक से अभी खोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गया भाई, पहुंचना है हम लोग मैकेनिक के पास, देख रहे भाई बारिश, चलो चलो जल्दी चलते हैं। तो भाई अपने बाइक का भाई तो मॉडिफिकेशन सॉलिड लग रहा है भाई, मानसून का मौसम आ रहा है भाई, अब तो ब्लॉग मस्त मस्त आएगा गाइज। ये बैंड पाइप फट जाने के बाद ना साउंड ऐसा आ रहा है, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब कि फटाफट आ रहा है वो एग्जॉस्ट का जो साउंड आता है वो मज़ा नहीं दे रहा है। तो लॉक करते हैं फटक से भाई, भाई अपना बाइक जो है ना हफ्ते भर से भाई रखा हुआ है, बस थोड़ा सा 10 सेकंड का स्टार्ट कर लेते हैं। हफ्ते भर से भाई बाइक रखा हुआ, क्योंकि एक हफ्ता पहले अपना बाइक का इशू हो गया था, मतलब कि वो एक राइड पे गए थे, उस राइड के बाद भाई अपना बैंड पाइप जो वो क्रेक हो गया था, वो फट गया है। तो साउंड सुन सकते हो, यहाँ से आवाज़ आ रहा है भाई, एक जो साउंड नहीं आ रहा है। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं भाई फटाफट से मैकेनिक के पास और चेंज करवाते हैं भाई। हफ्ते भर के बाद बाइक में चला रहा हूँ, अपना पुराना बाइक चला रहा था भाई, वो बहुत डाउन साइड है और ये थोड़ा अप लग रहा है भाई, मतलब हैंडल में थोड़ा सा अजीब बैठने वाला फील नहीं आ पा रहा है, तो देख रहे हो मतलब कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, अजीब सा नहीं मतलब कि हाई लग रहा है, वो थोड़ा डाउन साइड था तो ये थोड़ा हाई हाई लग रहा है। तो हम लोग फटाके से भाई अपने मोहल्ले से निकलते हैं, आपको फटा हुआ बैंड पाइप का क्रेकर सुनाते हुए। भाई सब मतलब भाई पावर वो जनरेट नहीं हो रहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब एग्जॉस्ट का जो पाइप वहाँ फटा हुआ है उसके वजह से वो पावर जनरेट नहीं हो रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है या फिर हो सकता होगा गाइस, पता नहीं चलता भाई। जब भाई लगता है कि बाइक में प्रॉपर मोटिवेशन हो चुका है अपना, कुछ नया करना है, और भाई लगता है कि कुछ अमीर हो चुका है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तब ना कुछ भाई एक फॉल्ट आ जाता है। तो मैकेनिक भाई पहुंचते हैं भाई यहाँ पर, थोड़ा सा फास्ट अपना काम हो जाता है, नहीं तो जाना पड़ेगा फिर उधर बाईपास तक, तो वो बहुत लेट वर्क होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखते हैं, बस खाली होना चाहिए, ज़्यादा देर का नहीं है, बस बैंड पाइप अपना चेंज करना है। तो आते हैं यहाँ पर, भाई भी अपना थोड़ा लग रहा है स्कूटी का काम कर रहा है, बस सुनिए ना बैंड पाइप चेंज करना है, बैंड पाइप चेंज करना है इसका, हाँ हाँ लेके आए ठीक भाई। अपना काम यहाँ थोड़ा फास्ट होता है, बस आप लोगों को बैंड पाइप एक बार दिखा देते हैं गाइस, ये देखो यार। तो भाई ये देखो भाई, बस ये एक यहाँ से होल का, वैसे ये सोल्डिंग कराना पड़ा था, उस पर फिट नहीं हो रहा था, ये थोड़ा मेरे एक बेबो भाई का है, वो अपना एनएस में लगाया था, ये अपने भाई इमरजेंसी में बस एक पार्टी में जाने के लिए भाई अपने दोस्त से लिए थे, बेबो भाई से लिए थे, उसका भाई इसको हमको ठीक करा कर देना पड़ेगा, लिए तो अच्छे से थे, ऐसे करवा दिए। तो भाई ये देखो अपना बैंड पाइप, इसको हम लोग चेंज करते हैं भाई, वो वाला तो आप लोगों को दिखा दिया मैंने कैसा है, वो यहाँ से क्रेक हो चुका है ऊपर के अपर के साइड में भाई, लगा था नीचे बहुत कसका कुछ फंस गया, तो अभी भाई ये एसएस भाई जो भी फुल फॉर्म थोड़ा नहीं बोल पाए, ऊपर देख लो चैनल पर थी, ऊपर दिख रहा है भाई, नहीं बोल पाएंगे फुल फॉर्म, स्टेनलेस स्टील कुछ करके है। तो अभी चेंज करते हैं इसको भाई, सेम टू सेम साइज है, बस फिट करना है इसको, तो कंटिन्यू करते हैं, एक सिनेमेटिक शॉट्स के साथ दिखाते हैं। देखो फिलहाल ना एक
जोश भाई, जिसका ये स्प्रिंग लगाने में हालत पंचर हुआ होगा ना, बताना जरूर। बाइक का चेक करो भाई, प्रॉपर लुक भाई। भाई अपना काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ और अब साउंड एक बार सुनाते हैं भाई। पहले का तो फटा हुआ पूरा आवाज़ आ रहा था भाई बैंड पाइप का, और भाई यहाँ काम बहुत फास्ट हो गया अपना, और एक बार साउंड सुनाते हैं आप लोग को। तो भाई यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, निकलते हैं भाई। तो चलो, तो भाई मस्त एकदम, तो चलो भाई साहब। साउंड भाई वो जो एग्जॉस्ट का भाई भाई क्रेक हो गया था अपना बैंड पाइप, उसके बाद जो साउंड आया था, और अब का साउंड भाई बहुत सॉलिड है। चलो इधर से निकलते हैं। भाई साहब क्या गुंजाते हुए निकले गाइस, चलो यहाँ से चलते हैं। कहाँ से ऐसे से लोग आ जाते हैं भाई, मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। ठीक है तो चलो थोड़ा मजा करते हैं भाई, आफ्टर 7 days आई मीन 1 week के बाद। थोड़ी मेरी मैथ कमजोर है, अड्डे से ना भाई दिमाग लेस भी हो गया लग रहा है। तो आप लोग बताओ गाइस, आप लोग ये पायलट का जो व्यू है भाई कैसा लग रहा है, पायलट सीट का ये भाई व्यूज देखो बहुत मस्त लग रहा है ना भाई, कमेंट करके बताओ आप लोग को। राइडर्स वाला तो फीलिंग आप लोग का अब आ रहा होगा भाई कैमरे में देखने में। तो भाई इधर भाई अपना ऑयल टैंक है, इधर भाई फोन होल्डर है भाई, हैंड गार्ड लग चुका है, और चलो अब साउंड भाई एग्जॉस्ट भी है मॉडिफाई भाई। सब दूर से रिएक्शन मिल जाता है भाई, भाई साहब क्रैकर चेक करो गाइस। आफ्टर ऑल भाई 1 week ब्लॉग भी गाइस मेरा बहुत लेट से आ रहा है फिलहाल अभी, और क्योंकि भाई बाइक में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हुआ था इसका वजह से, अब ब्लॉग भाई बैक टू बैक आने वाला है, तो भाई राइड पे जाने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेबल, और भाई जो साउंड है ना बगल से मैं क्रॉस हो रहा हूँ ना भाई, उसके दिल में ना लग रहा होगा, लेकिन भाई मौसम अब बहुत भाई ख़राब होने वाला है, बारिश वारिश होने वाला है, तो हम लोग भाई घर भाग रहे हैं अब, और आज का ब्लॉग भाई यहीं पे एंड करते हैं। अपना एग्जॉस्ट का जो बैंड पाइप था भाई, अपना एग्जॉस्ट का जो प्रॉब्लम था
ब्रेंड पाइप का वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। और जो भाई ब्रेंड पाइप का प्राइस है आप लोगों को अमेजोन फ्लिपकार्ट में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस कुछ भाई 1000, 1200, 1500 जैसा आप लोग क्वालिटी का लेते हो, मेरा तो भाई 1599 का था, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाने वाला है। तो भाई चेंज करा लो भाई अपना बाइक का कोई भी पार्ट्स प्रॉब्लम वॉब्लम आता है तो भाई इग्नोर मत किया करो भाई, आपका बाइक आपका सबसे बड़ा एक पूंजी होता है। अब मेरे लिए राइडर्स के लिए तो भाई यही है। तो अब इस ब्लॉग का हम लोग करते हैं यहीं पर एंड और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज। और NS 20 से रिलेटेड आप लोगों को ब्लॉग देखने के लिए भाई लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लो।